भाई मैं अभी है ना जस्ट बाहर से इंटर मारा और अभी का सीन देखो क्या है, पूरा देख रहे क्या सीन है ए तेरी की। वहाँ पे फोटोशूट चालू है और पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है। मुझे लग रहा है कि अभी जब गाड़ी जो चलेगी ना एकदम स्लो स्लो चलेगी, अभी हम लोग 6 बजे पहुँचेंगे। सीन देखो हाँ भाई अच्छे से फोटो वोटो खिंचा ला सही है। चलो भाई बस का वेट कर रहे, बस तो खड़ी हुई है बट हाँ तुम अभी हाईवे पे कुछ दिखेगा ही नहीं, कसम से बता रहा हूँ ऐसा सीन हो रहा है ना, हाईवे पे कुछ दिखेगा ही नहीं है तो पूरा फॉगी हो रखा है। ऐसा लगा मेरे को लगा कि कुछ जल रहा है बाहर जब निकला, देखा तो अभी सीन देखो हाँ। चलो बैठते हैं अपन, हल्का हल्का ठंड महसूस हो रहा है भाई और कुछ नहीं। चल भाई बस वाले खोल दे यार बस। आज नाइट कर रहे श्रीनिवास, चलो भाई भाई पहुंच गए और श्रीनिवास का आज नाइट है। अच्छा लगता है मेरे साथ। तेरा दोस्त किधर है? ईश्वर किधर है? छुट्टी है ना? नहीं होगा स्टोर पर, स्टोर पर होगा। चलो मिलते हैं फिर। और साकिर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई वाह मजे, शुक्र है शुक्र है। चलो तो व्यूज प्यारा लग रहा है आज, जब फॉगी हो रखा था यार जब निकला ना पूरा फॉगी हो रखा था। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि कोई कुछ दिखेगा ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख हे प्रभु हे प्रभु हे हरिनाम, ये क्या हुआ? सही भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा फॉगी। अगर आपको दिखता रहेगा एक मिनट दिखाता हूँ, देख लो पहले क्या नजारा दिखता था यहाँ पर, मगर आप देख रहे हो मौसम बड़ा बेईमान है। मुझे लग रहा है इसकी वजह से कस्टमर भी नहीं है, कौन कार चलाएगा ऐसे टाइम पे, ठोक देगा किसी को सीट यार। ये क्या हुआ कैसे हुआ ये? चल जाते हैं, यहाँ पे भी कोई भी नहीं, सारे स्टाफ ही बैठे, सब मजे कर रहे हैं भाई। हे राम हे प्रभु क्या कर दिया तुम्हें, जा रहा हूँ वॉशरूम भी। मैं वॉशरूम जा क्या गाइस, देखो तीन मतलब जा रहे यारिया, तीन दोस्त जा रहे हैं। मतलब आपको बता दूं यार, कुवैत में ना एनिमल मूवी को बैन ही कर रखा है बिकॉज ऑफ बहुत सारा वायलेंस और सेक्स न्यूडिटी ये सब के चक्कर में ऐसा लगता है कि बंद रखा। तेरा क्या कहना है, क्यों बंद रखा है? करने दो बंद, सब कुछ बंद करो। चल भाई पहुंच गया, अभी हमारा काम सब खत्म हो रखा है और बाहर का मौसम एकदम खराब हो रखा है भाई, एकदम गंदा हो रखा है। तो अब यहाँ पे भी सही है यार, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो मेरे को सोच रहा था कि मेरे को मॉल कभी जाने मिलेगा ही नहीं बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन डेजर्ट के एरिया में, जहाँ पे खाली धूप धुआं बालू खाली पेट्रोल पंप दिखता था। बट नसीब अचानक से चेंज हो गया जब आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ट्रांसफर होने के बाद में भाई साहब मेरे को ये इतना प्यारा माहौल देखने मिला है भाई, जो कि बहुत खूबसूरत है ना। चलो बढ़िया ही है यार, अभी जाता हूँ सुसु करता हूँ, सुसु करके फिर ऊपर जाता हूँ। तो भैया हमारा सुसु सब हो गया एकदम बढ़िया। भैया मेरे को बोलता है कि क्या ये सुसु का नाम लेगा, छोटा बच्चा है क्या? क्या बात कर रहे हो रहा है भाई, भाई ने भी मेरे मजे ले लिए। सही है, तो ब्लॉग में वो भी आ गया, राइडर मार रहा है डिलीवरी। हाँ एटीएम इधर है ना ऊपर, तेरा वर्बा बैंक है। हाँ तू जा क्या, मेरे को काम है थोड़ा, मैं अपना काम फिनिश करता हूँ, उसको बैंक में जाने के पैसे देखने पुलिस आए हैं कि नहीं। अरे यार इतना स्लो चल रहा है, ठीक है पता नहीं बाहर का क्या होता है, उन्होंने एक बार जाके पहले बाहर चेक कर लेते, क्योंकि अभी आफ्टर 3 जब मैं देखूंगा आपको दिखा रहा था तब वो 7 बज रहे थे, अभी कुछ 12 बज रहे हैं, तो आफ्टर 4-5 घंटे बाद में क्या सीन है बाहर का पहले देखते हैं। माशाल्लाह एक दिन है ना मेरे को जो मेरे पीछे सिक्योरिटी आ रहा है ना, ये मेरे पीछे जो आ रहा है ना सिक्योरिटी, मेरे को ना बुला के बोलता है वो दाई तुम निशानी हो, ऐसा मेरे को बोला। तो मेरे को है ना अरे मतलब नेपाली लैंग्वेज है ना, तो मेरे को थोड़ा समझ में आता है मगर बोल नहीं पाता हूँ, ये हो गया मसला। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं नेपाली नहीं हूँ, स्पीक हिंदी और इंग्लिश। तो बोला ओके ओके अच्छा 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 ओ
माल ठीक हो गया यार। अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर फिर भी थोड़ा 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 देख रहे हो, ये धुंधलापन भी दिख रहा है, वाइट वाइट है वहाँ पे, देखते क्या सीन है। हाँ एक बार जूम करता हूँ। हाँ फिर भी गाइस धुंधला थोड़ा थोड़ा पर है, थोड़ा थोड़ा है। अब मेरा बस वाला ड्राइवर है ना, इतना स्लो स्लो चलाएगा और कुछ हादसा ना हो इसकी वजह से स्लो स्लो चलाएगा, फिर हम घर जाके पहुँचेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपना, और कल मेरी जो दो दिन छुट्टी है ना, कल मेरे आज तो मेरे को IB71 देखना है, जो विद्युत जामवाल की मूवी थी ना, क्या सीन था देशभक्त वाली, वो मूवी ख़त्म करेंगे कल, वेब सीरीज़ ख़त्म करूँगा। तो मेरे पास में हाँ सैम बहादुर भी देखना है भाई, ये भी ख़त्म करना है। तो जी हाँ आज तो कल तो मूवी वाला पूरा दिन है, और परसों छुट्टी होगी वो बस से। अपना स्टार्ट करते हैं भाई, मजे आ रहे हैं भाई साहब। हमारी साली की मतलब फोटोज एंड वीडियो आ रखी है, चलो देखते हैं। ये रही इनकी आज इंगेजमेंट थी, तो वाओ ब्यूटीफुल, और मेरी वाइफ भी है इसके अंदर। ओहो डांस हो रहा है, डांस डांस हो रहा भाई, डांस डांस वाला वीडियो में मेरे को कल लोग भेजेंगे, तो मैं अभी कॉपीराइट आ सकता है इसकी वजह से मैं आपको दिखाऊंगा ना, मैं आपको खाली फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये रहा एंगेजमेंट का सिनारियो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ देम। अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, सही है यार। ओहो मैं तो पूरा देखूंगा, अभी अच्छे से देखूंगा, आपको भी दिखा दिया। और जो वीडियो आ जाएगी मेरे पास में तो आपको मैं वीडियो में मतलब लगा ही दूंगा मेरे अगले वीडियो में। ओहो बच्चे लोग बोल छुड़िया बोल कांगला, मेरी नीहू भी है, मेरी नीहू भी है, मेरे अन्नू भी है, वाह। बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, ये यार मजा आ रहा है, I miss that moment। ओहो कांग्रेचुलेशन यार। I seriously missed all this thing। भाई साहब सही है यार, अगर सही है भाई, सही है भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये लोगों को देख के। वाह केक भी काटा जा रहा है भाई, घर की जो वाइब होती है ना बहुत ही अलग होती है। अब क्या करूँ मैं, इसमें ही मज़े ले रहा हूँ, मेरे पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं है, सच में बता रहा हूँ भाई। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह सब बोल दिया है, अब घर पे चलते हैं। वो पिज़्ज़ा हट का मुदी और पिज़्ज़ा हट के स्टाफ दोनों तीनों जा रहे हैं। देखो ठंडी कैसे लग रही है, उसने अपने कान को छुपाया है लड़की ने। क्यों हादा, बाप रे देख रहे हो पूरा कोहरा कोहरा भाई, पूरा कोहरा कोहरा, ऐसा लग रहा है सुबह हो रखी है ना, मेरे को वीडियो में लग रहा है सुबह हो रखी है, बट सुबह नहीं है भाई। ये भाई जल्दी स्लो स्लो आया कि फास्ट फास्ट आया, एकदम आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या चलो मेरा बीबी घर में इंतजार कर रहा है, चलो सही है भाई, बाय 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 बाय, मिलते घर पर आप सीधा। किसको चाहिए ब्रांड मुदीर, ये इधर आज तो कोई नहीं, आज तो मचा दे, और छुट्टी है ना दो दिन, तो फिर इधर ही ढेर सारा आएंगे, और मैं यहाँ पे रख के अपना बिग बॉस भी खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा बाकी है। चलो हाय मालिक, मिलते थोड़ी देर बाद में। साढ़े तीन किलोमीटर ऑलमोस्ट एंड 37 मिनट, 5 की स्पीड से 362 कैलोरी। भाई साहब लग रहा है आज
ये पूरा ना भीग चुका है भाई। आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे को नहीं पता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ करते रहो। एंड जो लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं भाई, शुरू कर दो अपने हेल्थ के चक्कर में। आप लोग बोलोगे भैया आप दो दिन आते हो हमें ज्ञान देते हो, दो दिन नहीं आते हो उसका क्या करें। भाई जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो, जैसा मेरे को अच्छा लगता है मैं वैसा करता हूँ। ओके कल दो दिन छुट्टी है, कोशिश करूँगा कल भी आऊँ, परसों भी आऊँ, कोशिश करूँगा। अगर बेड से अगर आज मैं लेट से हूँगा ना, मतलब कि मैं सोचा कि आज ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे वर्कआउट करूँगा, ऐसा मैंने सोचा था। अब देखते हो अपनी सोच पे कितना खड़ा उतरता हूँ। ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है, 35 मिनट लेट्स, अभी वो बाकी है, ये बाकी है, और थोड़ा डम्बल उम्बल इसे मारूँगा बस थोड़ा बहुत। और हाल लग रहा है, भागा यार। गाइस बैक बीट मार के हो गया, तो इसी के साथ में अब अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे। एंड मिलते हैं सुबह आपको, देखते क्या सीन है क्या नहीं। अभी सुमन ने खाली दाल राइस बना रखा है, तो मैं ऑमलेट बनाऊंगा, दाल राइस ऑमलेट। तो मिलते हैं अब सुबह आप लोग को। हाँ तो बोला था मिलते हैं आप सुबह आप लोगों को। कल मेरे को एक बात बताना ही भूल गया मैं। क्या हुआ, कल जब मैं आ रहा था ऊपर जिम से करके, तो एक बंदा मिला, ही ऑलरेडी रिजाइंड, नीचे ही मिला ग्राउंड फ्लोर पे। बोला कि भाई मैंने रिजाइन कर दिया, मेरा 9 तारीख लास्ट दिन है, ऐसा बोल रहा था। बोलता है कि क्या करेगा अभी, ऐसा सिचुएशन चालू है, इतना कम सैलरी मिल रहा है, तो अब रुक के मतलब नहीं है, मतलब अपना एक थॉट शेयर कर रहा था मेरे साथ में। एंड मैंने बोला हाँ यार अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सैलरी इतनी कम मिल रही है, एंड क्या होगा पता नहीं, घर नहीं चलने वाला। तो बोला इसकी वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। बोला ठीक है इंडिया में जाके मिलेंगे और क्या, ऐसा ही बोला बस। बोला तू कब जा रहा है, मैं बोला मैं रिजाइन तो नहीं किया हूँ, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, मैं जाके आऊँगा तब देखते क्या सीन है क्या नहीं है। तो यही सब नॉर्मली बातें ऐसे चलती रहती है जब हम लोग बात करते हैं स्टाफ से एक दूसरे स्टाफ से, तो ऐसा सीन था भाई, बाकी सब तो ठीक ही है। तो अब नए ब्लॉग को कल से स्टार्ट करूँगा, अभी इस वीडियो को समअप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।